हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास यूनिट है हमारी और टॉपिक है हमारा जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था उसके आपके पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दिया था और पार्ट टू में हमने अशोक के कार्य शासन प्रशासन वगैरह उसमें जो अशोक का जो जन्म से संबंधित घटनाएं थी वो सब उपलब्ध कराया। अशोक का पूरा जन्म कुंडली, उसने क्या कहा, उसके माता पिता, क्या भाई बहन। और आज पार्ट थ्री है हमारा मौर्य साम्राज्य का, पार्ट थ्री है। इसमें हम कंप्लीट जो हमारा भाग है वो हम कंप्लीट करेंगे पार्ट थ्री में। आज आपको जो पार्ट में मिलने वाला है, एक तो आपको स्तंभ लेख मिलने वाले हैं जो अशोक के स्तंभ लेख है, और एक अशोक का मौर्य साम्राज्य का पूरा शासन प्रशासन वो आपको कंप्लीट इसमें उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है विषय हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास। टॉपिक दो है आज के हमारे। टॉपिक वन है प्रमुख स्तंभ लेख जो हम करेंगे, और टॉपिक टू में हम करेंगे मौर्य साम्राज्य का शासन वे प्रशासन। तो आइए देखते हैं पर्याग स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी में लगा हुआ था। अशोक ने जो इसे लगवाया था वो कौशाम्बी में लगवाया था, लेकिन फिर जब आपका मुगल शासन आया, मुगल बादशाह अकबर बैठा गद्दी पे, तो उसने क्या करा, लेकिन मुगल शासक अकबर ने इसे वहां से हटवाकर, वहां से मतलब कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद के किले में लगवाया था। याद रखना, पर्याग स्तंभ लेख पहले अशोक ने कहां पर स्थापित करवाया था, कौशाम्बी में। कौशाम्बी भी इलाहाबाद में ही, आप याद रखना, एक स्थान का नाम है कौशाम्बी, लेकिन उस स्थान से हटाकर अकबर ने इसे इलाहाबाद का जो किला है उसमें लगवा दिया था। क्लियर। दूसरा है दिल्ली टोपरा। ये फिरोज शाह तुगलक ने यहां से हटवाकर दिल्ली में लगवाया था। मतलब पहले टोपरा में था, टोपरा मेरा, और वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। तीसरा है दिल्ली मेरठ। ये पहले मेरठ में लगा हुआ था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। याद रखना, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दोनों फिरोज शाह तुगलक ने, एक तो टोपरा से हटवा के दिल्ली में लगवाया था और एक मेरठ से हटवाकर दिल्ली में लगवाया था। चौथा है रामपुरवा। ये चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। तो रामपुरवा जो है चंपारण बिहार में पड़ता है, और इसकी जो खोज हुई थी 1872 में के अशोक ने यहां भी कोई स्तंभ लेख लगवाया था वो की थी कार्लाइल ने। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पांचवा है लोरिया अरेराज। ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया अरेराज भी चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ भी चंपारण बिहार में। तो अब याद रखना, एक तो रामपुरवा, रामपुरवा भी चंपारण बिहार में है, लोरिया अरेराज भी चंपारण बिहार में है, और लोरिया नंदनगढ़, ये तीनों जो स्तंभ लेख है अशोक के, ये तीनों आपके चंपारण बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। मतलब जो कौशाम्बी से हटवाकर अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था उस अभिलेख को, उस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य अशोक का सबसे लंबा सातवां अभिलेख है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो कौन सा है, जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी गई है, वो है सातवां, और सबसे छोटा रुमंदई। रुमंदई, इसी रुमंदई अभिलेख से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में, तो यात्रा के समय अशोक द्वारा जो वहां टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, राजस्व कर होता था, उसकी दर घटा के 1/8% कर दी, 1/8 कर दी थी, पहले इससे ज्यादा होता था। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि लुम्बिनी ग्राम को जो धार्मिक बलि कर होता था उससे मुक्त कर दिया था। तो ये दो इंफॉर्मेशन इसी से मिलती है, किससे, रुमंदई से। क्लियर।
इसके बाद अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में, याद रखना प्रथम पृथक शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य और बच्चे मेरी संतान है। क्वेश्चन आपका है कि अशोक ने किस अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य और बच्चे मेरी संतान है, यह कहा था प्रथम पृथक शिलालेख में, किसमें कहा था प्रथम पृथक शिलालेख में, क्या कहा था कि सभी मनुष्य जितने भी मेरे राज्य में मनुष्य है और सभी बच्चे मेरी संतान है। क्यों कहा था वो, इसलिए कहा था कि जो कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक में उसमें महिलाएं हत्या कर दी गई थी, काट दी गई थी, बूढ़े जवान बच्चे सब काट दिए गए थे। तो जब अशोक वहां पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को देखा और बच्चों को देखकर उनका एक हृदय बहुत ही निर्मम हो गया और उन्होंने एक दम परिवर्तन लिया, भाई देखो बच्चा किसी का भी, चाहे दुश्मन का भी बच्चा हो वो बच्चा ही होता है, उसे भी देख के अगर उसके चोट लगे ओहो यार ये क्या हो गया गलत हुआ, तो वही काम अशोक का होता है। बच्चों से उसका जो दिल परिवर्तन हुआ था वो बच्चों से हुआ था, बच्चों की लाशें देखकर हुआ था कि आज के बाद कोई युद्ध ही नहीं करेंगे हम लोग, हमें क्या मिला है युद्ध करके, कुछ भी नहीं मिला हमें युद्ध करके। तो अशोक ने इस तरह का डिसीजन लिया था और उसके बाद तलवार बिल्कुल एक तरफ रख दी थी, उसके बाद कोई युद्ध ही नहीं लड़ा था अशोक ने। तो इस तरह की इसमें घोषणा करी गई है प्रथम पृथक शिलालेख में कि सभी मनुष्य और बच्चे मेरी संतान है। अशोक का सारे कुना कंधार अभिलेख ग्रीक वे अरामेक भाषाओं में लिखा गया है। क्वेश्चन आएगा अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरामेक भाषाओं में लिखा गया है, कंधार अभिलेख उसे कहते हैं, सारे कुना अभिलेख। पूरा मौर्य साम्राज्य जो था वो पांच प्रांतों में डिवाइड था जिन्हें चक्र कहा जाता, पांच प्रांतों को चक्र कहते थे, प्रांत राज्य को भी कहते थे। तो उनकी राजधानी मैचिंग के लिए आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, देखिए जैसे ये उत्तरापद, उत्तरापद की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, अवंती उज्जैनी थी, कलिंग तोसली थी, दक्षिणापद स्वर्णगिरी थी और पराशी, पराशी कहते थे पूर्वी प्रांतों को, इसकी थी पाटलिपुत्र। तो ये सेम एज इट इज मैच के लिए भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, पीसीएस का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में इंपोर्टेंट है। या फिर सिंगल उठा लेगा कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली, ठीक। अशोक के मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या पांच थी, इन्हें चक्र कहा जाता था, याद रखना चक्र, चक्र क्या थे प्रांत, मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत थे उन्हें चक्र कहा जाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक नंबर टू है हमारा मौर्य साम्राज्य का शासन व प्रशासन, ठीक है देखते हैं। आइए जो हमारे लिए एग्जाम पीटी ऑफ एग्जाम इंपोर्टेंट है और जो अदर एग्जाम है हमारे ग्रुप सी वगैरह, सी टेट, यू टेट और आपका लेखपाल पटवारी, अदर एग्जाम के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। मौर्य प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो थी आपकी ग्राम, इसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। मैं देखो आज भी शासन और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम, ग्राम के बाद है ब्लॉक या प्रखंड, ब्लॉक को ही प्रखंड कहते हैं, और फिर जो तीसरी इकाई है वो है जिला, जिला और चौथी है आपका राज्य, ठीक है। तो आज भी सबसे जो छोटी इकाई है अगर देखा जाए तो वो ग्राम ही है। आज उस समय ग्राम का जो वो होता था उसे ग्रामीण कहते थे या मुखिया कहते थे, आज ग्राम प्रधान कहते हैं, क्लियर है। तो मौर्य शासन प्रशासन में भी ग्राम की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। नेक्स्ट है दस गांव का जो शासन संभालने वाला होता था उसे गोप कहते थे। अगर क्वेश्चन आया गोप क्या था, जो दस गांव का शासन संभालता था उसे गोप कहा जाता था, दस ग्रामों का या गांव का शासन संभालने वाले को गोप कहा जाता था। नेक्स्ट है मैगासिरीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। इस चीज की इंफॉर्मेशन इतिहासकार मैगासिरीज देते हैं, वो ये कहते हैं कि मौर्य काल में जो नगर का प्रशासन था उस वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था और 30 सदस्य जो थे वो पांच समिति थी, 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, छह समितियों में
बटा हुआ होता है, 6×5=30। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्लियर है? मैगासिनी ये कह रहा कि मौर्य काल में जो नगर का प्रशासन था उसमें 30 सदस्यों का एक मंडल था, मतलब 30 सदस्य उस मंडल में, जैसा आज मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में 18, 20, 25, 30, 32 तक जा सकते हैं, वो अलग अलग सिस्टम है। तो 6 समिति थी टोटल और एक समिति में 5 सदस्य थे, तो कितने हो गए? 6×5=30। इसकी जानकारी कौन देता है? मैगासिनी। नेक्स्ट है, बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था, मतलब 9 भाग वो खुद रखता था व्यापारी और 10वां भाग सरकार को देता था, या मौर्य उसमें टैक्स वसूला जाता था, और इसे बचाने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई बिक्री कर बचाता था या उसमें कुछ गड़बड़ करता था या फिर उसे गलत करके पेश किया करता था या कम देता था तो उसे मृत्यु दंड की सजा थी, इतना कठोर शासन था। नेक्स्ट है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोहित सैनिक, इस चीज की जानकारी जो दे रहा है वो इतिहासकार जस्टिन दे रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, बिंदुसार के पिता, अशोक के दादा, तो ये कह रहे कि 50,000 अश्वरोहित सैनिक थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। इस चीज की जो जानकारी देता है वो जस्टिन देता है। नेक्स्ट है, जस्टिन ने ही बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। इतिहासकार जस्टिन ने एक और इंफॉर्मेशन देता है, वो ये बताता है कि जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक का जो दादा था, उसने 6 लाख की फौज या सेना या सैनिक लेकर या सैनिकों की टुकड़ी लेकर पूरे भारत को, जो उसके विरोधी लोग थे, पूरे भारत को रौंद डाला था, पूरे उससे पड़ोसी राज्यों से युद्ध किया था जो उसके अपोजिट लोग थे। कौन देता है इसकी जानकारी? जस्टिन। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, मतलब गहरी नॉलेज, डीप नॉलेज, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति, गूढ़ पुरुष कहा गया अर्थशास्त्र पुस्तक में। जैसे आज हमारे खुफिया विभाग है, CBI है, रॉ है, IB है, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट है, तो उसे गुप्तचर विभाग कहा जाता था। और पूरे गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था, जो इंटेलिजेंस का प्रमुख होता था, उसे महामात्य कहा जाता था। और महामात्य को ही अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक, तो उसमें इसे गूढ़ पुरुष कहा गया है। किसे? गुप्तचर विभाग के प्रमुख महामात्य को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अशोक के समय जनपद के न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। अगर आपसे पूछ ले, जैसा आप जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं जनपद जो न्यायालय होता है, तो उस समय जो मौर्य साम्राज्य था और अशोक का शासन काल था, तो जिले में जो न्यायाधीश बैठता है तो उसे राजूक कहते थे। क्लियर है? या पूछ लेगा राजूक कौन था? जिला न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट, मौर्य काल में द्रोण, क्वेश्चन आता है कि अनाज नापने की जो इकाई होती थी मौर्य काल में, उसे क्या कहते थे? तो अनाज नापने की जो मौर्य काल में इकाई होती थी, जैसे आज किलो होता है, 1 किलो, 2 किलो, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, तो आज तो किलो के रूप में होता था, तो उस समय द्रोण में मापा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के मापतोल के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन दे देगा द्रोण क्या था मौर्य काल में अनाज के मापतोल की इकाई। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी, आज तो सरकारी भूमि को बंजर कहते हैं, बंजर भूमि या सरकारी भूमि, गवर्नमेंट भूमि, तो उस समय जो मौर्य काल था उस समय उसे सीता कहते थे। क्वेश्चन दे देगा सीता क्या था सरकारी भूमि मौर्य काल की, और बिना वर्षा के जिस भूमि में अच्छी खेती होती थी
उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। क्वेश्चन दे देगा अदेव मात्रक क्या था, जहां पर वर्षा होने पर अच्छी खेती होती थी, बिना वर्षा के जहां पर अच्छी खेती होती थी, जहां पर पानी की व्यवस्था थी, जहां पर खेती में खाद और पानी डाल दिया जाता था। तो आप याद रखना उस खेती को अदेव मात्रक या उस भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था जहां पर बिना वर्षा बिना पानी की व्यवस्था के अच्छी प्रकार से खेती होती थी। क्लियर। इसके बाद इतिहासकार मेनेस नीच एक और जानकारी देते हैं, मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। इसकी जो जानकारी देते हैं वो मेगा सीरीज देता है, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, हर बार देखने को मिलता है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। तो याद रखना मौर्य जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था, 7। इसकी जानकारी हमें कौन देता है, मेगा सीरीज। देखिए वो 7 वर्ग कौन से थे, कभी कभी दे देगा उसमें कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल था, किसान शामिल थे 7 वर्गों में, दार्शनिक, दार्शनिक कहते पढ़े लिखे वर्ग को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं दार्शनिक, अहीर कारीगर सैनिक निरीक्षक सभासद, ये 7 वर्ग ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में युवराज को राजपुत्र कहा जाता था, मतलब जो राजा का बेटा होता था उसे युवराज कहते थे और युवराज को ही राजपुत्र कहा जाता था, राजपुत्र मतलब राजा का बेटा। जबकि जो नगर का प्रमुख होता था नगर कोतवाल उसे पौर कहा जाता था, नगर कोतवाल पौर होता था। पूछ लेगा आपको पौर क्या था, नगर प्रमुख कोतवाल को पौर कहते थे, जैसे आज कोतवाल कहते हैं ना, या कोतवाली प्रमुख कहते हैं, या भाई आपका थाना अध्यक्ष कहते हैं, तो उस समय जो नगर का प्रमुख होता था उसे कोतवाल या पौर कहते। मौर्य जो शासन काल रहा है वो लगभग जो हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो 137 साल की मिलती है। तो याद रखना आप इस चीज को, मौर्य जो शासन रहा है वो 137 वर्षों तक रहा है और मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की जो हत्या की थी वो पुष्यमित्र सुंग ने की थी और पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या कर 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना। ये पूरा यहां तक होता, देखते हैं मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा है। इस वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, इसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी। किसकी हत्या, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, ये क्वेश्चन आता है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ, या इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी। और मैं आपको फिर आगे बतला रहा हूं पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना की, ये ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। कुछ विभाग थे उनके प्रमुख थे तो आप थोड़ा सा याद रखने से, दुर्गापाल, दुर्गापाल दुर्गो दुर्ग का रक्षक जो होता था उसे दुर्गापाल कहते थे। ठीक है, मंत्री परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष कहते थे। ठीक है, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, अध्यक्ष। नायक, नगर का जो अध्यक्ष होता था साफ सफाई की व्यवस्था करने वाला, उनके जो ऊपर हेड होता है आज भी उसे नायक ही कहते हैं, तो नगर का अध्यक्ष। समाहर्ता, समाहर्ता जो कहते थे मौर्य काल में आय व्यय का या आय का संग्रह करता, कहां से कितनी आमदन हुई है जो उसकी पूरी डिटेल लगता था उसे कहते थे समाहर्ता। किस काल में, मौर्य काल में। नेक्स्ट है पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख, धर्म और दान विभाग का जो प्रमुख होता था मौर्य काल में उसे क्या कहते थे, उसे प्रमुख कहते थे। तो आप इसे याद रखना, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए। दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, नायक नगर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रह करता, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। तो ये था आज हमारा पार्ट 3 मौर्य साम्राज्य का। इसमें हमने फिर बतला रहा हूं दो चीज देखी है, एक तो स्तंभ लेख देखे
और एक हमने मौर्य शासन प्रशासन देखा है, क्या उसमें इंपोर्टेंट थी क्या नहीं, जो हमारे प्रीलिम्स जो है एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए ये आपका सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसे ही बस 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा और आप देखना कोई भी क्वेश्चन अगर यहां से आता है आप कंप्लीट इसे कर जाएंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए, 1 हफ्ते में 3 टेस्ट लेने के लिए और प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर की 3 क्लास पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले क्लास मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वो जुड़ने की कोशिश करें और एक बेहतर रणनीति के साथ हम आपको आगे बढ़ाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे और सफलता को बहुत ही कम समय में प्राप्त करेंगे। पूरी बिना इस कैंपस की टीम आपके साथ है, आप बिल्कुल बिना घबराए चलिए, मैं आपका अपना टीचर। थैंक यू।